वेलकम फ्रेंड्स, आज जो हम लोग भाजक का जो है अगला जो है टाइप्स देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। इससे पहले जो है टाइप नंबर वन, टाइप नंबर टू जो है भाजक यानी डिविजर्स के बारे में जो है क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग जो है टाइप थ्री में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पावर 10, 6 पावर 7 गुणे 3 पावर 8 गुणे 5 पावर 17 के अभाज्य गुणनखंडों एवं अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर मतलब कि अभाज्य संख्या, सबसे पहले समझते हैं कि अभाज्य संख्या है क्या, यानी वैसे संख्या जिनके केवल जो है दो गुणनखंड होते हैं, एक एवं स्वयं, इसके अलावा जो है कोई गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि दो है, दो एक अभाज्य संख्या है और एक सम संख्या भी है। दो के जो है फैक्टर होंगे एक एक होगा और एक खुद होगा यानी स्वयं होगा दो। तो ऐसी संख्याएं जो है जिसके दो गुणनखंड होते हैं, एक एवं स्वयं, उसके अलावा कोई जो है अन्य संख्या नहीं होती है, या ऐसे दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं, अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो केवल अपने आप से कटे, ठीक है, एक एवं अपने आप से कटे और दूसरी संख्या से न कटे, उसे जो है हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो वैसे फैक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में जानेंगे। अब यहाँ पर समझेंगे कि ये जो दिया गया प्रश्न है इसमें अभाज्य गुणनखंड और अभाज्य भाजक, तो अभाज्य भाजक जैसे हो गया 2, 3, 5 और इसमें जो है ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे उनकी संख्या भी निकालना है। तो समझते हैं, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न में 2 पावर 10 दिया गया है, 6 पावर 7 दिया गया है, 3 पावर 8 दिया गया है और 5 पावर 17 दिया गया है। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो 6 है यह अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है, इसको भी तोड़ा जाएगा। इसका मतलब 2 गुणे 2 पावर 10, 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 और टोटल पर पावर 7 लिखेंगे, क्योंकि जो 6 पावर 7 है इसलिए 6 को 2 गुणे 3 के पावर में, 2 गुणे 3 के बारे मतलब के रूप में लिखेंगे और टोटल पर पावर 7 डालेंगे। अब यहाँ पर समझते हैं, आगे दिया हुआ 3 गुणे 8, 5 पावर 17 दिया हुआ, फिर उसके बाद 3 पावर 8 है गुणे 5 पावर 17। अब इसको अलग अलग करेंगे तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ पर फैक्टर टोटल के ऊपर 7 है, इसका मतलब 2 पर भी पावर क्या हो जाएगा, 7 और 3 पर भी पावर क्या हो जाएगा, 7। एक नियम होता है, आप जो है एक्सपोनेंट के नियम में हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 2 पावर भी 7 हो जाएगा और 3 पावर भी 7 हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो इसको हम शॉर्ट में बना सकते हैं, 2 पावर यहाँ पर कितना है, 10 है, 2 पावर 7 है। अगर हम एक्सपोनेंट वाले टर्म में देखेंगे तो किसी भी जो है सेम बेस रहता है और पावर अलग अलग रहते हैं और वो गुणा के रूप में रहेगा तो पावर जुट जाता है। तो 2 पावर 10 है और 2 पावर 7 है, इसका मतलब टोटल 2 पावर कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। बेस सेम रहता है तो पावर जुट जाता है, आगे भी उसी तरह कंडीशन होगा। 3 पावर 7 है, 3 पावर 8 है, यानी बेस सेम है और गुणा में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। यहाँ पर जो है 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, 5 पावर क्या है, 17। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो है अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, यानी अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी सिंपल सा केवल पावर को जोड़ देंगे, यानी क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे, ठीक है, पावर को जोड़ेंगे केवल अभाज्य गुणनखंड में पूछेगा, तब पावर को जोड़ेंगे किसके लिए, अभाज्य गुणनखंड की संख्या के लिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो केवल पावर को जोड़ेंगे, तो पावर कितना है, 17 है, फिर उसके बाद 15 है, फिर उसके बाद 17 है, अगर इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 49, ठीक है। और अभाज्य भाजक पूछेगा, अभाज्य भाजक का मतलब होता है जो प्राइम फैक्टर, ठीक है, यहाँ पर जो डिविजर्स है यानी अभाज्य संख्या के रूप में केवल बेस को लेना है, क्या लेना है, केवल बेस को लेना है, यानी अभाज्य भाजक पूछेगा तो बेस की संख्या लेंगे, केवल बेस की संख्या, यानी दी गई संख्याओं को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और उसके जो है बेस की संख्या देखेंगे, बेस के रूप में कितना है, तो 300 है अभाज्य संख्या के रूप में, तो इसीलिए अभाज्य भाजक जो होगा, सॉरी यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है, अभाज्य भाजक कितने होंगे, तो 3 होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 49 और 3। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। दिया हुआ कि जो है 6 पावर 10 गुणे 7 पावर 17 गुणे 11 पावर 27 दिया हुआ है, मैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है। सिंपल सा पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। अगर 6 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3 टोटल पर पावर 10 गुणे 7, एक ऑलरेडी जो है अभाज्य संख्या के रूप में है यानी प्राइम नंबर के रूप में है, 11 पावर 27, 11 जो है पहले से प्राइम नंबर के रूप में है। तो अगर देखें यहाँ पर बेस के रूप में 2 गुणे 3 है तो दोनों पर जो है पावर 10 चला जाएगा, यानी आप नियम एक पढ़े होंगे एक्सपोनेंट में, अगर a गुणे b है और पावर m है,
इसका मतलब ए पर बी पावर एम चला जाता है, फिर गुणे बी पावर एम चला जाता है। तो उसी तरह जो है इसको भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ से दो पर पावर भी दस हो जाएगा, तीन पर पावर भी दस हो जाएगा, गुणे सात, ये ऑलरेडी है अभाज्य संख्या के रूप में, ग्यारह भी जो है अभाज्य संख्या के रूप में है। तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो केवल पावर को जोड़ेंगे, ठीक है। टोटल पावर कितने हैं ध्यान देना है, यहाँ पर 10, इसमें भी 10, इसमें 17 और इसमें 27, अगर जोड़ा जाए 44 और 20 64 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो चलिए, तो चलते हैं यहाँ पे। दिया हुआ है कि जो है 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर दो से जाने वाला है, तो दो से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 15,015। फिर दो से नहीं जाएगा, तीन से जा सकता है, 3×5 से 15, 005। अब ये तीन से नहीं जाएगा, पाँच से जाएगा, 1001, ठीक है, पाँच से ले जाएगा। उसके बाद सात से देखते हैं जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 7×1 = 28, 17×21 यानी जाएगा। अब ये 11 से जाएगा, ठीक, 13 बार में, और 13 से 1 बार में, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2×3×5×7×11×13। अब यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। इसका मतलब कि ये जो है प्राइम फैक्टर के रूप में कितने हैं, तो सिंपल से इनके पावर के रूप में देखेंगे तो सभी का पावर एक एक के रूप में है, यानी एक छिपा रहता है पावर में। अगर दो पर पावर कुछ नहीं है, इस पर पावर जो है एक छिपा हुआ है, इसका मतलब दो कितना बार है, एक बार है। इसका जो है पावर जितने भी है पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो सब में जो है पावर एक एक है, तो एक इसमें पावर, एक इसमें पावर, ठीक है। या ऐसे भी गिन सकते हैं कितने हैं, तो टोटल 6 है, ऐसे भी करेंगे तो भी जो है 6 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। ऑप्शन नंबर किस में है, तो सी में है। अगले प्रश्न में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पर सवाल दिया गया है, ठीक है, इस प्रश्न के जो है जितने भी अभाज्य गुणनखंड होंगे या फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर या घटक, ठीक है ना, तो उसकी संख्या निकालना है। सिंपल सा उसी तरह से क्वेश्चन है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4×2 और टोटल पर पावर 11 लिख सकते हैं, ठीक है। 14 को लिख सकते हैं हम 2×7 पर पावर जो है टोटल 5×11 पावर 2। अगर यहाँ पर देखेंगे तो पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है, आपस में गुणा हो जाता है, यानी 2 का गुणा अगर 11 में करेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अंदर में जो है बेस में 2×7 है और टोटल पे पावर 5 है, तो दोनों पर भी पावर 5 हो जाएगा, यानी 2 पर भी पावर 5, 7 पर भी पावर 5 और यहाँ पर 11 पावर 2। अब देखेंगे यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, 22 ये है, 5 ये है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 27, यानी 2 पर पावर क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। गुणा के रूप में रहता है तो पावर जुट जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे, 7×5 = 11×2। हमें जो है प्राइम फैक्टर पूछा है, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है। अभाज्य घटकों की संख्या पूछा है, तो सिंपल सा क्या करेंगे, पावर को जोड़ेंगे, ठीक है। टोटल पावर देखेंगे, टोटल पावर कितना है, बस सिंपल सा है, टोटल पावर देखेंगे, प्राइम संख्या पूछेगा, प्राइम जो है फैक्टर के रूप में पूछेगा, तो यहाँ पर 27 है प्लस 5 और यहाँ पर 2 है, तो देखेंगे टोटल कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। चलते हैं जो है नेक्स्ट प्रश्न में। इतना सवाल दिया हुआ है ना, 6×4 = 8, 8×6 = 10, 10×8 जो है 8 दिया हुआ है, 12×10 दिया हुआ है, कि आवाज गुणनखंडों की संख्या पूछा है। तो सिंपल सा उसको जो है और भी इसको तोड़ा जाएगा प्राइम फैक्टर के रूप में। 6 को लिखा जा सकता है 2×3 पावर जो है 4, ठीक है। 8 को लिखा जा सकता है 2×3 और इसके पावर जो है टोटल 6 है, फिर गुणे 10 को लिखा जा सकता है जो है 2×10, अरे सॉरी, 10 को लिखा जा सकता है 2×5 पावर जो है टोटल 8 और यहाँ पर 12×10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 12 को लिख सकते हैं हम लोग 2×2×3 टोटल 10। यहाँ से देखा जाए तो सबको अलग अलग पहले कर लेते हैं, तो 2×4 3×4 होगा, ठीक है। और यहाँ पर 2×पावर कितना हो जाएगा, पावर में पावर गुणा हो जाएगा, तो 18। और यहाँ पर ध्यान देना है 2×8×5×8, फिर टोटल पे पावर है, यानी 2×2 है, तो इस पर पावर 10 चल जाए, 2×20 हो जाएगा और यहाँ से 3×10 हो जाएगा। अब इतना कैलकुलेशन तो आप लोग को आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 2 कितनी बार है, यहाँ पर जो है 4 बार है, यहाँ पर 18 है, यानी बेस देख लेते हैं 2 का कितना बार है। और पावर जो है आप जानते हैं कि जो है गुणा के रूप में रहेगा तो पावर जुट जाता है, तो 4 है, 18 × 4 = 22, 22 × 8 = 30, 30 × 20 = 50, यानी 2×50 हो जाएगा, फिर गुणे 3×पावर कितना होगा, तो 3×पावर यहाँ पर 4 है, 3×10 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14।
फिर उसके बाद 5 पावर भी है तो 5 पावर 8 हो जाएगा। हमें जो है क्या क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा पावर को जोड़ेंगे हम लोग, तो पावर को जोड़ेंगे तो देखेंगे कितना हो रहा है, तो 50 ये 10 64 सॉरी 50 14 64 हो जाएगा, 8 और लेना है तो कितना हो जाएगा 72, जो कि ऑप्शन किस में है तो ऑप्शन नंबर ठीक है सी में है। अब देखते हैं हम लोग जो है अगले प्रश्न में दिया हुआ कि 30 पावर जो है 211 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या और अभाज्य भाजकों की संख्या पूछा है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि जैसे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो जितने बनेंगे, यानी प्राइम फैक्टर के रूप में ठीक है जितने बनेंगे, जैसे मान लेते हैं 4 है, ठीक है, इसको लिखा जाता है 2 पावर 2। तो ध्यान देना अभाज्य भाजक केवल 2 का ही बनेगा ये रूप, ठीक, जो एक ही गो है, जबकि इसका फैक्टराइजेशन देखेंगे तो टोटल 2 गो है, यानी 2 जो है इसको गुणनखंड जो होंगे 2 बार है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएगा। और जबकि जो है अभाज्य भाजक केवल 2 ही के रूप में है, अगर इसमें 3 रहता तो ये अलग हो जाता, अभाज्य भाजक यानी प्राइम डिविजर ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो 30 दिया हुआ तो 30 को लिख सकते हैं हम लोग 2 × 3 × 5 पावर टोटल जो है 211। इसका मतलब कि बेस अलग अलग है और पावर टोटल पर 211 है, इसका मतलब कि तीनों पर जो है पावर 211 हो जाएगा, 3 पर भी पावर 211 और 5 पर भी पावर 211। अब क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, उस कंडीशन में अभाज्य गुणनखंड पूछेगा उस कंडीशन में पावर को जोड़ेंगे, ठीक है। तो पावर 211 है, इस पर भी पावर 211 है, इस पर भी पावर 211 है, अगर तीनों को जोड़ा जाएगा तो 633 होगा, ठीक। अभाज्य भाजक पूछेगा यानी डिविजर के रूप में कौन कौन सा जो है इसमें अभाज्य संख्या के रूप में है, ठीक, उसको केवल बेस को गिनेंगे, क्या करना है, बेस को काउंट करना है। तो बेस के रूप में यहाँ पर 2 है, एक यहाँ पर जो है अभाज्य संख्या में ये अलग जो है प्राइम डिविजर है, तो ये हो जाएगा यानी अलग, तो टोटल 3 है। तो इस तरह से देखते हैं यानी टोटल अभाज्य गुणनखंड 633 और अभाज्य भाजक कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन जो है बी इज राइट होगा, ठीक है। अगले सवाल में तो इसमें कह रहा है कि 175 के 2 पूर्ण संख्याओं के गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करने के कितने तरीके हैं, यानी हम लोग को तरीका समझना है यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में। तो सबसे पहले समझते हैं कि 175 को पहले प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो कितने तरीके इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग जो है फैक्टर अगर यानी गुणनखंड या भाजक निकालते थे, ठीक है, तो यानी इसको जो है काटने वाली कितनी संख्याएं होंगी उसको जो है पेयर के रूप में लिखना है, 2 पूर्ण संख्याओं के रूप में लिखना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 × 175, 2 से नहीं जाएगा, 3 से, ठीक है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से ले जाएंगे, तो 5 से कितने बार में, तो 35 बार में, ठीक। 5 के बाद ये किससे जाएगा, 25 से जाने वाला है, ठीक है, 7 से भी जाएगा ये, तो ऐसे 7 से भी लिख सकते हैं, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35। अब देखा जाए तो जो है अब जो है किसी संख्या से जाने वाला नहीं है, इसका मतलब कि 2 पेयर के रूप में लिखा जाए, जोड़े के रूप में लिखा जाए, तो 2 पूर्ण संख्या को गुणनफल के रूप में लिखा जाए तो कितने तरीके होंगे, टोटल 3 तरीका होगा, कितने तरीका होगा, टोटल 3 तरीका होगा, जो कि जो है ऑप्शन कौन सा सही है, तो बी सही है, ठीक है। समझते हैं हम लोग, दिया कि जो है 180 के जो है 2 गुणनखंड के गुणा के रूप में कितने तरीके जो है गुणा के रूप में कितने तरीके से दर्शाया जा सकता है। सिंपल सा जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था उसी तरह जो क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है, तो हम लोग जो है 180 को कितने तरीके में जो है तोड़ सकते हैं, ठीक है, या इसके जो है क्या करना है, सिंपल सा एक और तरीका है, अगर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है, जितना प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा यानी प्राइम फैक्टर आएगा उसका जो है आधा कर देंगे पेयर के रूप में हो जाएगा। जैसे मान लेते दोनों तरीके देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। 180 को 1 × 180 लिख सकते हैं, 2 × 90 लिख सकते हैं, यानी सीरियल वाइज देखेंगे, ठीक है, यानी 2 से जाएगा, फिर 3 से भी जाएगा ये 60 बार में, ठीक है, 4 से ये जाएगा, ठीक, 48 बार में, 5 से भी जाएगा क्योंकि अंतिम में 0 है, 6 से भी जाएगा, ठीक है, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, ठीक है, 10 से भी जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से जाएगा, ठीक। अब देखते हैं जो है 12 से यानी अब रिपीटेशन करेगा, यानी अब जो है 14 से नहीं जाने वाला है, 13 से भी नहीं जाने वाला, तो अब उसके बाद 15 से जाएगा, तो फिर ये 15 पहले से शामिल है,
फिर ये दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन हो जाएगा। तो सब समझते हैं यहाँ पर कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ठीक है, 7 8 9, 9 पेयर बन रहे हैं। अगर हम इसको जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में तोड़ते तो इसको लिख सकते हैं ठीक है, 9 गुणे 20 यानी 3 पर पावर 2, और इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुणे 5 यानी अगर देखेंगे 2 पर पावर कितना है, 2 है, और 3 पर पावर 2 है और 5। तो आप लोग को टाइप नंबर 1 में बताया जा चुका है कि हमें जो है भाजकों की संख्या निकालना है, यानी इस संख्या को कितनी संख्या काट सकती है। एक तो एक खुद कटेगा और इसके अलावा जो है और भी संख्याएं हैं इसको काटने वाली है ठीक है, जो कि ये भाज्य संख्या है। तो भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, भाजकों की संख्या निकालने के लिए सभी के पावर में एक एक जोड़ करके कूड़ा कर देते थे आपस में, केवल पावर को लेते थे और एक एक जोड़ करके पावर में एक कूड़ा कर देते थे। तो 5 पर पावर जो है एक हाइड है, यानी पहले से इसमें छिपा हुआ है एक, यानी 5 एक बार है तो पावर एक है। तो इस पर जो पावर है तो 2 में 1 जोड़ देंगे फिर गुणा करेंगे, 3 पर पावर 2 है तो पावर में भी 1 बढ़ाएंगे ठीक है, गुणा करेंगे, और 5 पर पावर 1 साइलेंट यानी 1 है तो उसमें भी 1 जोड़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे 3 और यहाँ पर भी देखेंगे 3 और यहाँ पर 2, तो अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। तो अभाज्य भाजकों की संख्या टोटल 18 होगा, लेकिन जो है इसमें पेयर के रूप में कितना बनेगा, तो टोटल 18 होगा, इसका मतलब पेयर कितना हो जाएगा, तो 9 को बन जाएगा ठीक है। इसका मतलब कि इसको गुणा लिखने का तरीका कितना होगा ठीक है, पेयर के रूप में 2 गुणनखंड के रूप में, तो 9 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है ठीक है। तो ये लास्ट सवाल था इस टाइप का ठीक है, और इस चैनल पर जो है आप लोग बने रहिए ठीक है, जो कि आप जो है ऐसे जो है मैथ के नए नए कॉन्सेप्ट जो है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे ठीक है। जय हिंद जय भारत।